नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक प्यारे से वीडियो के अंदर। देखिए आज का जो वीडियो होने वाला है एक अपार्टमेंट का वीडियो होने वाला है जो कि 2 BHK अपार्टमेंट होने वाला है। देखिए यहाँ पे इस अपार्टमेंट में, इस बिल्डिंग में आपको 1 BHK ऑप्शन मिल जाता है, 2 BHK का ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकेशन की। लोकेशन जो होने वाली है चोरडिया सिटी, जो कि अजमेर रोड के बिल्कुल नियर बाई ये होने वाली है। कमला नगर नगर पुलिया से मात्र 1 से 1.25 किलोमीटर दूरी पर लोकेटेड है। वैशाली वेस्ट का इस पार्ट ये माना जाता है। वैशाली नगर से अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर वैशाली नगर से, मेन वैशाली नगर से आपको ये लोकेटेड होने वाली है। देखिए काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, नीचे की तरफ कंप्लीट पार्किंग का स्पेस यहाँ पे दिया गया है। साथ में बात करूँ तो ये G+3 की बिल्डिंग होने वाली है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे फ्लैट डिजाइन किया गया। आप देखिए एक बार में इसका फ्रंट एलिवेशन और ये सब आपको दिखा के पार्किंग दिखाते हैं, फिर उसका करवाते हैं कंप्लीट टूर। बाद में बात करेंगे यहाँ पे साइज और प्राइस कैसे क्या कुछ होने वाली। देखिए सिग्मा होम्स के द्वारा शानदार सा प्रोजेक्ट आपके लिए लाया गया है, जल्दी कीजिए इसको बुक करने के लिए। नंबर आपको स्क्रीन पर मैंने दे दिए हैं, साथ में डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी। लेकिन चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही शानदार से वीडियोस आपको हमेशा हमारी तरफ से मिलते रहें। तो एक बार देख लीजिए फ्रंट एलिवेशन और देख लीजिए पार्किंग, उसके बाद मिलते हैं अगेन आपको 2 BHK के अंदर। ये फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आपको प्यारा सा फ्रंट एलिवेशन आपको यहाँ पे अपार्टमेंट्स का दिखाई दे रहा होगा, जो कि काफ़ी खूबसूरत कॉम्बिनेशन कलर कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे यूज़ किया गया है। नीचे की तरफ मैं आपको दिखाया था, यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ नीचे गार्ड रूम आपको मिलता है और कंप्लीट ही पार्किंग का स्पेस आपको मिल जाता है। लिफ्ट का प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है, स्टेयर्स का प्रोविजन दिया गया है और आपको एक गार्ड रूम का प्रोविजन यहाँ पे मिलता है। अब चलिए एक बार डायरेक्टली चलते हैं ऊपर की तरफ और दिखाते हैं आपको कम्प्लीट ही टूर इसका। तो फ्रेंड्स आपने देखा नीचे की तरफ कम्प्लीट ही पार्किंग का स्पेस दिया गया है, यानी कि आपको पार्किंग में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। जैसे हम लोग एंटर करेंगे डाइनिंग और ड्राइंग एरिया का स्पेस आपको मिल जाता है आपके अपार्टमेंट का। खूबसूरत सा ड्राइंग एरिया का स्पेस यहाँ पे निकाला गया है, जो कि देख पा रहे हो आप एल शेप में यहाँ पे सोफा, जो कि लगभग 7 to 8 सीटर यहाँ पे सोफा लिया गया है। साथ में पैरी सीट डिजाइन यहाँ पे बनाई गई है, बीच में आपको मिल जाती है यहाँ पे सेंटर टेबल की डिजाइन और ये देखिए वुडन का पूरा पैनल के साथ आपको मिलता है वॉलपेपर का प्यारा सा वर्क, जो कि काफ़ी डिसेंट लुक यहाँ पे देने वाला है। छोटे छोटे लैंप्स की डिजाइन भी यहाँ पे आपको दी गई है। 12x18 के आसपास का ये एरिया मिल जाता है टोटली आपको, जो डाइनिंग और ड्राइंग का होने वाला, काफ़ी स्पेसियस एरिया है। और देखिए बात करें यहाँ पे इस तरफ आपको टीवी पैनल का स्पेस मिलता है जो कि वुडन का काम, साथ में अंदर LED लाइट्स और प्यारे से वॉलपेपर का वर्क किया गया है और छोटे छोटे लैंप जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्यारे से लैंप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। इस तरफ भी देखते हैं तो यहाँ पे भी वुडन का प्यारा सा वर्क, अंदर LED लाइट्स और वॉलपेपर का वर्क, जो कि बहुत ही प्यारा लुक आपको यहाँ पे देने वाला है। हैंड वॉश के लिए आपको यहाँ पे प्रोविजन आपको मिल जाएगा, जो कि आपको कंप्लीट लगा के यहाँ पे भी दिया जाने वाला है। ये स्पेस जो है जहाँ मैं खड़ा हूँ ये डाइनिंग का बेसिकली स्पेस है, आप 4 to 6 सीटर आप डाइनिंग यहाँ पे लगा पाएंगे और डाइनिंग के साथ आपको यहाँ पे देखिए वुडन का प्यारा सा वर्क, उसके अंदर LED लाइट्स के साथ आर्टिफिशियल फ्लावर जो कि काफ़ी डेकोरेटिव यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये मिल जाता है देखिए आपको किचन का स्पेस इस तरफ, जो कि लगभग 12x6 के आसपास का किचन आपको होने वाला है। एल शेप में यहाँ पे किचन दिया गया है, ग्रेनाइट का आपको टॉप मिल जाता है, पूरा कैबिनेट्स वगैरह कंप्लीट आपको लगा के दिए गए हैं, टाइल्स का वर्क भी काफ़ी हाइट तक है। इसका फायदा ये हो जाता है कि जब भी आप खाना वाना बनाएं तो ऑयल वगैरह की छिटी लगे तो आप इजीली उनको वॉश यहाँ पे कर पाएंगे। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा आप वीडियो किस पर्पज से देख रहे हैं और कहाँ से देख रहे हैं। हमें बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के। यहाँ पे मिल जाता है देखो आपको वेंटिलेशन के लिए प्यारा सा स्पेस, जो कि किचन में यहाँ पे होने वाला है। अब आइए हम क्विकली कर लेते हैं इसके एक एक बेडरूम के टूर। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए प्यारा सा यहाँ पे आपको झुमका ज़बरदस्त डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और ये मिल जाता है एक कॉमन वॉशरूम, जो कि काफ़ी स्पेसियस होने वाला है और इसमें देखिए टाइल्स का कॉम्बिनेशन काफ़ी प्यारा है, वेस्टर्न सीट लगा के दी गई है, स्पेसियस वॉशरूम है और वेंटिलेशन भी पूरा परफेक्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। देखिए बड़ा किंग साइज बेड मिल जाए, बेडरूम आपको मिल जाता है लगभग 13x14 के आसपास की साइज़ आपको यहाँ मिल जाती है। किंग साइज़ का बेड है, पीछे प्यारा सा वुडन का पैनल तैयार करके LED लाइट्स का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाया गया, जो कि खूबसूरती काफ़ी इंप्रूव करता है आपके इस बेडरूम की। इस तरफ वॉलपेपर का डिसेंट सा वर्क, कोई भी तड़कती भड़कती चीज़ें यहाँ पे यूज़ नहीं की गई, प्यारे प्यारे डिसेंट से वॉलपेपर भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। वेंटिलेशन के लिए मिल जाता है आपको देखिए इस तरफ एक विंडो, जिससे कि क्रॉस वेंटिलेशन हमेशा बना रहेगा, साथ में आपको सनलाइट भी आपको हमेशा यहाँ पे मिलती रहेगी। आ जाता है यहाँ पे टीवी पैनल का बड़ा सा स्पेस, जो कि वुडन का काम किया गया है, इसमें भी आपको LED लाइट्स मिल जाती है। देखिए AC फिटिंग्स आपको हर जगह जहाँ जहाँ नीड है AC फिटिंग्स आपको हर जगह मिलने वाली है और यहाँ मिल जाता है प्यारा सा फॉल सीलिंग का वर्क। ये मिलता है आपको कबर्ड्स का स्पेस, जो कि नीचे और ऊपर दोनों तरफ यहाँ पे दिया गया है, इजीली आप स्टोर में अपने क्लोथ्स वगैरह कर पाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से प्यारी सी फीलिंग आने वाली है जब आप अपने अपार्टमेंट से बेडरूम से इस तरफ निकलेंगे, तो यहाँ काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। एक वॉशरूम आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि ये भी काफ़ी स्पेसियस है, इसमें देखेंगे आप टाइल्स का कॉम्बिनेशन थोड़ा डिफरेंट बट प्यारा सा, वेंटिलेशन यहाँ पे भी ध्यान रखा गया है, वेस्टर्न सीट आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। अगेन आपको देखिए 12x12 के आसपास की साइज़ का आपको बेडरूम यहाँ पे मिल जाता है, प्यारा सा बेड और साथ में पीछे देखिए डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है, वॉलपेपर की डिज़ाइन की गई है। यहाँ पे पैनल आपको दिया गया है, इसके अंदर LED लाइट्स आपको अगेन यहाँ पे मिल जाती है, जो कि काफ़ी खूबसूरती इसकी यहाँ पे बढ़ाने वाला है। कवर्स का स्पेस मिल जाता है आपको इस तरफ, जो कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ कवर्स का स्पेस दिया गया है और ये मिल जाता है आपको एक वेंटिलेशन के लिए विंडो, अगर आप चाहें कूलर लगाना तो वो भी आप इसमें लगा पाएंगे, वैसे तो AC फिटिंग्स आपको दी गई है।
और ये आ जाता है देखिए बालकनी का स्पेस, जो कि ये भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से बालकनी का स्पेस यहाँ पे डिज़ाइन करके आपको बना के दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं साइज और प्राइस की बात करता हूँ, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइज़ आपको मिल जाती है। वन बेडरूम अपार्टमेंट भी यहाँ पे अवेलेबल है और टू बेडरूम अपार्टमेंट भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर बात करें यहाँ पे देखिए वन बेडरूम अपार्टमेंट की साइजेज़ की, तो लगभग 800 स्क्वायर फीट के आसपास आपको वन बेडरूम की अपार्टमेंट्स की साइज़ आपको मिल जाती है। टू बेडरूम की बात करें अगर, तो लगभग 1060 से लेके 1140 तक की साइज़ आपको मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो लगभग 20.5 लाख रुपये वन बीएचके आपको मिलने वाला है। टू बीएचके की बात करें तो लगभग 27 लाख रुपये, 27.5 लाख रुपये के आसपास आपको टू बेडरूम मिलने वाला है। ये मैं सेमी फर्निश्ड की प्राइसेज बता रहा हूँ। मोटा मोटा अगर आप कैलकुलेट करें तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइज़ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा। लेकिन सेमी फर्निश्ड की जो प्राइस होने वाली है 2700 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से होने वाली है, और अगर बात करें फुली फर्निश्ड की तो 3000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको फुली फर्निश्ड के यहाँ पे प्राइजेज होने वाली है। अधिक जानकारी आप डिस्क्रिप्शन चेक कर पाएंगे, वहाँ मैं कम्प्लीटली आपको कितने कितने स्क्वायर फीट के वन बीएचके और कितने टू बीएचके हैं वो कंप्लीट आपको डिटेल आपको डाल दूंगा, और नंबर आपको दे दूंगा मैं बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव के, वहाँ जाकर डायरेक्टली आप कॉल करके अधिक जानकारी वहाँ से आप प्राप्त कर पाएंगे। अंत में कहूँगा चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी शानदार से प्रॉपर्टी के बने हुए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। आज और अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।